पुलवामा हमले पर पाकिस्तान ने भारत को चेतावनी दी। पीएम इमरान खान ने कहा, भारत ने अगर हमला किया तो पाकिस्तान सोचेगा नहीं बल्कि जवाब देगा। पुलवामा हमले पर सेना के लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन की अपील, कश्मीर की मांएं अपने भटके बच्चों को सरेंडर करवाएं नहीं तो मारे जाएंगे। घाटी में जैश आतंकियों के सफाए का दावा भी किया। बेंगलुरु के येलहंका एयरबेस में एयर शो के रिहर्सल के दौरान हादसा, सूर्य किरण एरोबैटिक्स के दो एयरक्राफ्ट क्रैश, एक पायलट की मौत, एक नागरिक जख्मी। पाकिस्तान में फांसी की सजा का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत में दूसरे दिन सुनवाई जारी, पाकिस्तान ने अपनी दलीलें रखी। दिल्ली में देश भर के विश्वविद्यालयों के हजारों टीचरों और छात्रों का बड़ा मार्च, प्रदर्शनकारियों ने कहा, मौजूदा सरकार में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। मोदी बनाम ममता विवाद से सुर्खियों में आए कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार का कार्यकाल पूरा, सीआईडी में एडीजी बनाए गए। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना में गठबंधन, लोकसभा चुनाव में बीजेपी 25 और शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। और अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने के लिए इमरजेंसी लगाने पर 16 अमेरिकी राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया, ट्रंप पर संविधान के उल्लंघन का आरोप।